Hello children, welcome back to the SST class. I am Mrs. Mona Jajara. Children, we completed our SST course. Now I will be giving you some topics and exercise from your book, and I will also give you a worksheet for you. Please complete it. So let's move our first topic and worksheet. Okay, sources of water. There are two types of water. सोर्सेस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस. यहाँ पर हम लोग सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में देख रहे हैं. ओके, फर्स्ट वी विल सी नेचुरल सोर्सेस. नेचुरल सोर्सेस आर दोज फ्रॉम विच वी गेट फ्रॉम नेचुरली लाइक रेन ओशन एंड सी. कहाँ से हमको नेचुरल तरीके से वाटर मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है? रेन के थ्रू, बारिश, ओशन एंड सी. ओके, टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्सेस क्या क्या है नेचुरल सोर्सेस के टाइप्स. फर्स्ट, रेन. रेन इज़ अ नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर एंड इट इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर ऑल्सो. फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है? रेन है. आप सब अच्छे से समझ लीजिए इस बात को. जो फ्रेश वाटर हमको मिलता है वो हमको रेन के थ्रू मिलता है. ओके, रिवर्स. रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो इन माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स. और रिवर्स में वाटर कहाँ से आता है? जो स्नो माउंटेन्स होते हैं, जब वो स्नो जो है वो मेल्ट होती है और फिर वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है वाटर में, ग्लेशियर से वाटर में कन्वर्ट होने पे. ठीक है. थर्ड, लेक्स. लेक्स आर नेचुरली अकेयरिंग वाटर बॉडीज विच डू नॉट कनेक्ट टू द ओशंस एंड आर जनरली सराउंडेड बाई लैंड. ठीक है. फोर्थ, ग्राउंड वाटर. सम परसेंटेज ऑफ रेन वाटर सीप इन टू द ग्राउंड. दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर एंड वी यूज इट फॉर डे टू डे पर्पसेस. ग्राउंड वाटर का यूज़ हम लोग डे टू डे पर्पस पे करते हैं, लाइक बोरिंग. सभी के घर में यूजुअली बोरिंग होता है. ओके, आर्टिफिशियल सोर्सेस ह्यूमन मेड्स ना, मतलब कहाँ से हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से भी हम लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं उसके बारे में. ओके, आर्टिफिशियल सोर्सेस. देर आर वेरियस आर्टिफिशियल सोर्सेस मेड बाय द मैन लाइक वेल्स, डैम्स, कैनल्स एंड रिजर्व्स. ओके, फर्स्ट वी विल सी वेल्स. वेल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर इन द विलेजेस ऑफ इंडिया. कुएं ना, वेल्स मीन्स होता है कुआ. यूजुअली अधिकतर गाँव में, विलेजेस में वेल्स का ना, कुआ का यूज़ होता है वाटर के लिए. ठीक है. सेकेंड, कैनल्स. कैनल्स आर आर्टिफिशियल पैसेज डग टू कैरी रिवर वाटर टू डिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर लैंड्स. इट इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया, स्पेशली इन द डेजर्ट रीजन. डेजर्ट रीजन में कैनल्स का यूज़ होता है. कैनल मीन्स होता है नहर ना, नहर के थ्रू वाटर को सप्लाई करते हैं ये क्रॉप्स के लिए, खेती के लिए, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए कैनल्स का यूज़ बहुत होता है. और स्पेशली कहाँ पर होता है? डेजर्ट रीजन में. ओके, रेगिस्तान में. थर्ड, डैम्स. The barrier constructed to hold back water and raise its level, forming a reserve used to generate electricity or as water supply. Dams का use usually अधिकतर होता है किसके लिए? Electricity के produce के लिए करते हैं, और साथ में water supply. अलग अलग villages में water supply के लिए भी dams का use होता है. Okay? Now worksheet. This is a worksheet. Please do complete it. Okay? First, write true or false. First, water is a natural resources. Second, water store in dams in release through sluice gates. Third, rainwater harvesting is a popular way of conserving water. Fourth, lakes are generally surrounded by water on all sides. Fifth, dams are created to save water. True false से आपको इसको complete करना है. Okay? Match the columns. कॉलम ए, भांगरा नांगल डैम्स, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम. फिफ्थ, नागार्जुन सागर डैम. एंड चैप्टर टू, मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. सम एक्सरसाइज ऑल्सो आई विल गिव यू. ओके, नेम ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, अ फ्यूल विच इज फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेकेंड, मेल्टिंग मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन दिस रॉक्स. Third, a state in India where gold is mined. Fourth, a state where zinc is found. Fifth, petroleum is found in. Okay, name of the following. Next, fill in the blanks with the correct answer. First, we get kerosene from, fill it, okay. Second, aluminium is used to build. Third, aluminium is extracted from. Fourth, underground rocks containing large quantities of minerals are. And fifth, India is one of the largest producers of. Fill in the blanks.
Now this class is ended here. We will meet in the next class. Take care.